नमस्कार, बज स्टोरी के सेक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्क्रीन पर हमारे सामने मौजूद हैं मिसेस झारखंड रह चुकी खुशी काकन जी। बेसिकली वो आसनसोल से बिलोंग करती हैं, लेकिन झारखंड के राजधानी रांची में वो रह रही हैं। सारी बातचीत करेंगे, और अगर हम पर्सनलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, या फिर अगर ग्रूमिंग की बात करते हैं, या फिर फैशन के क्षेत्र की बात करते हैं, या फिर एविएशन के फील्ड के एक्सपर्टीज की बात करते हैं, वो सारी चीजों के लिए जो एक्सपर्ट आपको जानकारी चाहिए उसके लिए खुशी जी हमारे साथ जुड़ी मैम। वेलकम और नमस्कार मैम। चलिए आपका स्वागत मैम। हमेशा ना पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में हमने बचपन से सुना कि आप पढ़ाई तो कर लेंगे, लेकिन आप एक्सपोजर या फिर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते एग्जाम में, तो वो क्या चीज है और आप क्या और डेवलपमेंट देखना चाहती है इसके बारे में थोड़ा सा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसा कि हम सुनते हैं पर्सनालिटी, बट पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्चुअली सिर्फ बाहर से नहीं होता है कि आपने बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए तो आप बहुत अच्छे, बाहर एक्सटर्नल लुक्स तो है, मैटर करता है, इट इज 50% ऑफ योर पर्सनालिटी, बट आप अंदर से क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, आप कैसे सोचते हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, वो आपको एक कंप्लीट पर्सन बनाता है। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल हो गया एक पूरा एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये मायने रखता है नाम का। बिल्कुल, हम जो सोचते हैं हम वही दिखते हैं। अच्छा, वो बिल्कुल वो इम्पैक्ट आता है। मैम, आपने अपने करियर में, आप इस फील्ड में रही इतने दिनों से आप कर रही हैं, तो आपने कैसे अपने आपको निखारा और आपका परिचय थोड़ा सा अगर हमारे दर्शक जानना चाहे अपने बैकग्राउंड के बारे में। बिल्कुल, निखारना एक होता है कि थ्रू एक्सपीरियंस थ्रू नॉलेज हम पढ़ते हैं, हम सीखते हैं, हम सुनते हैं। तो मैंने खुद को ऑलवेज एक लर्नर कंसीडर किया है। अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मैंने MBA किया है, मैं कोलकाता में जॉब कर रही थी इन बैंकिंग सेक्टर, बट मैं सैटिस्फाइड नहीं थी। शादी के बाद भी मैंने जॉब कंटिन्यू नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। फिर एक लाइफ ब्रेक आता है जो हर फीमेल के लाइफ में आता है शादी के बाद, मैंने वो ब्रेक लिया अपने पर्सनल लाइफ के लिए। बट जब मुझे लगा कि हाँ अब मैं अपने पर्सनल लाइफ से अब प्रोफेशनल लाइफ में दोबारा एंटर कर सकती हूँ, तो अब मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया। एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर मैं अपना हॉस्टल रन करती हूँ, बॉयज हॉस्टल चलता है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करूँ, जो कि हर फीमेल का सपना होता है, मेरा भी था। मैंने पार्टिसिपेट किया और मैंने मिसेस झारखंड का टाइटल जीता। उसके बाद फैशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ मैंने हमेशा ही किया है, फैशन के फील्ड में हमेशा से एक्टिव रही हूँ मैं। कुछ शोज हैं जिनमें जूरी बन के गई, कुछ शोज में चीफ गेस्ट बन के गई, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते रहना, ये मेरा शौक भी है और मेरा प्रोफेशन भी। तो इन्हीं सारी चीजों की वजह से मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा निखारा है। नॉलेज गेन करना एक ऐसी चीज है ना जो हर ह्यूमन बींग के अंदर होना चाहिए। आप नॉलेज जितना ज्यादा लेंगे, मैं पर्सनली सोचती हूँ कि हमें लर्नर ही बनना है, सीखते रहना है, सीखते रहने की जो चाह है ना वो हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाती है। तो यही सारी चीजें हैं जो बैकग्राउंड चलते रहता है, वो सारी चीजों ने मुझे पुश किया कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा करते चली जाऊं। तो यही कारण है कि मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है, अभी कर रही हूँ और आगे भी मैं इम्प्रूव करते ही रहूंगी खुद को। मैम, जैसे अभी आप अवन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप जुड़ी हुई हैं, जो कि लालपुर के हरिओम टावर के ठीक अपोजिट में है। मैम, एक वहाँ के बारे में बताएं कि वहाँ आप क्लासेस कब ले रही हैं, कैसे कैसे आप ले रही हैं, कौन से मतलब मैचेस में आप क्लासेस जो है वहाँ पर लेंगी अभी, और क्या वहाँ पर पढ़ाएंगे स्टूडेंट को सारी बातचीत। अवन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक बहुत ही लीडिंग इंस्टीट्यूट है अभी रांची में, जो कि खास करके आपको बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहा है। आपको बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज या रोल्स जो एयरपोर्ट से रिलेटेड होता है, लाइक केबिन क्र्यू है, एयरपोर्ट स्टाफ है सर्विसेज के लिए, उनके एयर कंट्रोलर है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर के आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी पे तो काम किया जा रहा है, आपके कम्युनिकेशन पे काम किया जाएगा, आपके ग्रूमिंग पे काम किया जाएगा, और इसके लिए हमारे जैसे बहुत ही प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी है। तो मेरा काम है कि मैं इन अ वीक 2 आवर्स का पूरा इंटेंसिव ट्रेनिंग कराती हूँ। हाँ बिल्कुल, 2 आवर्स इंटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है, बिल्कुल सारी चीजें हैं जो डिटेल से डिटेल और छोटी से छोटी चीजों पे हम लोग
फोकस करते हैं कि कोई भी चीज, कोई टिप्स हो, ट्रिक्स हो, जो भी है, विद एक्सपीरियंस, विदाउट एक्सपीरियंस, विद गेनिंग नॉलेज एंड एवरीथिंग, हम लोग सारे स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं। मैम एक ना यहाँ के स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो एक कम्युनिकेशन स्किल की समस्याएं बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक टर्मिनोलॉजी है कि मदर टंग इन्फ्लुएंस आता है, MTI, वो हमारे साथ, आप बिहार से हो, आप झारखंड से हो, आप बंगाल से हो, आप उड़ीसा से हो, आप यूपी से हो, आप साउथ से हो, नॉर्थ से हो, तो हर एक रीजन का एक इम्पैक्ट होता है जो हमारे मदर टंग, वो इन्फ्लुएंस आता है। बिल्कुल, तो हम लोग यहाँ पे अवन में वही काम करते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन एक ग्लोबल कम्युनिकेशन हो, बिकॉज एयरलाइंस में आपको इंटरनेशनल एयरलाइंस में भी ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, तो आपकी लैंग्वेज ऐसी हो जो यूनिवर्सली सारे लोग अप्रूव करें। तो हम सारी चीजें यहाँ पे कम्युनिकेशन पे बहुत ही प्रोफेशनली वर्क करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारा जाए, अच्छा इम्प्रूव किया जाए, तो वो स्पेशली हमारा मेजर फोकस रहता है कि कम्युनिकेशन सच्चा करना है, क्योंकि मजबूत करना है, स्ट्रांग करते जाना है उसे। हमसे बात करने के लिए समय निकले, थैंक यू सो मच। मैं सर तो मैम के साथ जो हर्षद उबैद सर डायरेक्टर है अवन एविएशन इंस्टीट्यूट के, तो सर क्या हमारे यहाँ मतलब ये कौन से बैचेस अभी चल रहे हैं और क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, वो सारी बातचीत थोड़ा। देखिए ऑलरेडी हमारे दो बैचेस तो चल ही रहे हैं जी, और अभी रिसेंटली अभी मतलब 15 मतलब कल से हमारा नया बैच भी शुरू हो रहा है, तो एडमिशन्स हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम के चलते जी अभी काफी स्टूडेंट जो इसके बारे में इनकी जानकारी नहीं थी, दे वर नॉट अवेयर कि क्या होता है, अब उन्होंने इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है और वो लोग आ रहे हैं और एडमिशन्स हो रहे हैं अभी हमारे यहाँ पे। और अब चूंकि चुनाव का भी माहौल है और बहुत सी चीजें हैं, थोड़ा सा स्लो है मार्केट, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि स्टूडेंट्स के अंदर में एक हौसला है कुछ करने का, कुछ नई चीजों को समझने का, एडमिशन लेने का, तो दे आर कमिंग और लोग एडमिशन दे रहे हैं। एज फार एज फीस इज कंसर्न, तो फीस अभी हमारा देखिए टोटल फीस हमारा जो है वो 5,000 हमारा रजिस्ट्रेशन फीस है, उसके अलावा 1,32,000 अभी हम लोगों ने मतलब कोर्स फी रखा हुआ है, जिसमें मंथली इंस्टॉलमेंट 11,000 होता है, चीजी मंथली इंस्टॉलमेंट हम लोग रखा है, और इसके अलावा हमारे पास में जो जो चार्जेस होते हैं वो 4,000 के अराउंड हम लोग को ये यूनिफॉर्म और बुक मटेरियल्स और इसके लिए हम लोग लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा अभी क्या है कि अभी हमारे यहाँ पे स्कीम चल रही है स्कॉलरशिप स्कीम, तो जो जिसमें अभी हम लोगों ने मतलब स्कॉलरशिप स्कीम एक सर्टेन पीरियड के लिए है, जिसमें हम लोगों ने मतलब सीधा सीधा मतलब 12,000 हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया है, मतलब फीस में से कट डाउन कर दिया, तो अब टोटल फीस विल बी 1,20,000, जिसमें 10,000 हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट जाएगा स्टूडेंट्स को और 5,000 हमारा रजिस्ट्रेशन फी लगेगा, टोटल 1,25,000 में पूरा देखिए रांची झारखंड में हमारे ही इंस्टीट्यूट ऐसा है जिन्होंने ऑन ईयर ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस किया है। देखिए ऑन ईयर ट्रेनिंग का एक बेसिक हमारा पर्पस है, एक मकसद हमारा ये है कि स्टूडेंट्स एयरलाइंस को करीब से जाकर उसमें वो ट्रेवल करें और उस चीज़ का वो एक्सपीरियंस लें, और राइट फ्रॉम जैसे एयरपोर्ट के अंदर में जब वो एंटर करते हैं, फिर बोर्डिंग पास लेते हैं, फिर वहाँ से वो सिक्योरिटी चेकअप्स के दौरान गुजरते हैं, फिर फ्लाइट में बोर्ड करते हैं, तो ये सारा एक्सपीरियंस वो खुद लेंगे। फिर फ्लाइट के अंदर में जो केबिन क्रू के जो डेमोंस्ट्रेशन होते हैं सेफ्टी को लेकर के, तो वो सभी देखेंगे, नजदीक से देखने का मौका, नजदीक से देखने का मौका मिलेगा उन्हें, तो ये हम लोगों ने अभी किया है और इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस अभी हम लोगों को मिल रहा है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए कोई हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज स्टूडेंट से नहीं कर रहे हैं, ये सारा चीज इनके फीस में ही इंक्लूडेड है।
और बाकी जो जैसे हमारे जो भी कंप्यूटर्स हैं यहाँ पर और जैसे भी हैं, लेकिन उन लोगों का क्या है कि उन लोग का मॉक होता है, उन लोगों ने मॉक बनाया हुआ है जिसके अंदर में वो एयरलाइंस के जैसे ही उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर करते पूरा तैयार किया हुआ है। तो बस यही है कि हम लोग मॉक में बना करके डायरेक्ट ऑन एयर ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं। हैं। सर हमसे बात करने के लिए और समय देने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।